अजब मध्य प्रदेश की गजब कहानी, जिंदा आदमी को मृत बताकर निकाल ली अंत्येष्टि की राशि। खबर शिवपुरी जिले के बदेवा क्षेत्र से आ रही है। यहां चंदूरिया ग्राम में रहने वाले एक युवक ने सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंदूरिया के रहने वाले रघुराज सिंह पुत्र भवूत सिंह ने बताया कि उसको पंचायत के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और अंत्येष्टि की राशि निकाल ली, जबकि वर्तमान में मैं जिंदा खड़ा हूँ। जनसुनवाई में गुहार लगाते हुए रघुराज सिंह ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया और खाते से राशि निकाल जा चुकी है। अतः मामले की जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। मामले को लेकर सरपंच का कहना है कि रघुराज सिंह के पिता की मौत हुई थी, गलती से नाम उसका चढ़ गया। इतना ही नहीं, अंत्येष्टि की राशि भी उसी को दी गई थी। काम से आए, दरखास्त लगा। क्या दरखास्त थी आपकी? जो थी कि मेरी बहन 9 महीने जन्दो मारी को जिंदो काट होते ही काट दो ना, मेरी लेटरिंग बनी ना मेरी बाथरूम बनी, तो पति मेरा 9 महीने यहाँ नाम काट जब होते ही काट दो नाम मैं का नाम ही काट और राशन कार्ड बन जब 9 महीने काट गया फिर करें। किसने किसने काटा है? किसने काटा? अब जो पंचायत द्वारा गए होंगे तो कुछ बोल नहीं। आपको कैसे पता चला? देखो अभी मेरे अखबार का है, जब पता लगे और जो टी वी बच्चों के ऊपर बहुत हो गए जब मेरी जिंदा तो किसने किया ये? सरपंच और सेक्रेटरी करें और को करे, और कोई कर ही नहीं सकता।